अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि वेलकम सॉफ्टवेयर में हम मोटिव किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये पेज है, न्यू पेज है, इसको आपने न्यू पेज इस तरीके से यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद ये जो मोटिफ है आप लोगों ने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद यहाँ से आपने रन स्टिच लेना है। रन स्टिच लेने के बाद बी प्रेस करके यहाँ से इतना आपने जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ये जो 50 पॉइंट है यहाँ से हमने ये वाला जो एंगल है ये चीज़ इस एंगल में आप लोगों ने ले लेनी है। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है। ये जो पहले मैंने स्टार्टिंग की है राइट बटन लेफ्ट बटन जो है माउस का यहाँ पे आपने क्लिक करना है। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे भी आप लोगों ने लेफ्ट फिर लेफ्ट इसी तरीके से आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पे क्लिक करके इंटर आप लोगों ने कर देना है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये ऑटो स्टार्ट और एंड पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद कंट्रोल ए करके यहाँ पे आपने 10 का ये टांके की जो लेंथ होती है ये इसको मैंने 10 कर दिया। 10 करने के बाद अब मोटिफ कहाँ से क्रिएट होना है, स्प्लिट से मोटिफ मैक। यहाँ पे आप कोई भी निक नेम दे दें। यहाँ पे मैं ARI ठीक है ये मैंने टाका दिया और स्टार्ट यहाँ से मैं करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके एंड पॉइंट यहाँ पे ठीक है गाइस। ये जो जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ये खूबसूरत बनेगा। अब ये जो मेरा मोटिफ है ये मेरा बन चुका है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और ये जो मोटिफ रन ये जो आप लोगों को शो हो रहा है ये मोटिफ रन है। यहाँ से मैं अब ये देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट यहाँ से आपने कोई भी यहाँ पर मैंने लेफ्ट बटन क्लिक करके इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी इसकी देनी है 2.50। यहाँ पे 1.1 भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे 2 भी दे सकते हैं, जितना आपको मैक्सिमम इसको थिकनेस में लेके आना है। अब इसका करना क्या है, आप लोगों ने इसको आप यहाँ से डी शेप भी कर सकते हैं। ये देखें तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से रीशेप करके भी इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो हमारा मोटिफ है ये हमारा मोटिफ इतना तैयार हुआ है। ये आरी टांके में ये आप लोगों को शो होगा। कंट्रोल डी इसका अब इसी तरह यहाँ पे माइनस खत्म करके इसका एंगल आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर अब कोई भी हम मोटिफ लगा सकते हैं यहाँ से। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेफ्ट
राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और यहाँ पे मैंने इंटर कर देना। अब इसी को मैंने कंट्रोल डी करके शिफ्ट प्रेस करके इसकी शेप थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों ने इसका किसी भी तरीके से जो भी आप लोगों को एंगल अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोगों ने इसके एंगल दे दें। अब ये चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही तो इसी को आप रहने दें, इसी को आप कंट्रोल डी करें। कंट्रोल डी करने के बाद उसको यहाँ से आप डी शेप करके, ये मैं अपने अंदाजे से आप लोगों को कुछ भी बनाकर दिखा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कि मैंने ना तो इसमें चेंजिंग की है ना मैंने इसमें देखा है कि इसमें मुझे कैसा ये डिज़ाइन लगेगा और किस तरह से बनेगा। अब इसके अंदर मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को बना बना करके दिखाई जा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये मैंने किस तरीके से इसको मैंने पंच किया हुआ है। ये जितना भी है मैंने राइट बटन क्लिक करके इसको मैं ये पंच कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तो यहाँ से मैंने इंटर कर देना है, इसको इंटर करने के बाद यहाँ से मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसको अंदर की तरफ करूँगा ताकि ये, अब इसके अंदर क्वालिटी क्या है, इसके अंदर अगर आप सॉल्डर में इसको ऑटो स्प्रेड देना चाह रहे हैं तो ये यहाँ से आप 0.55 भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से ऑटो स्प्रेड लग सकती है। इसको कंट्रोल डी करके ये देखिए इसका एंगल चेंज करके इस तरीके से आप भी इसको ला सकते हैं। अब ये जो है इसके अंदर मैंने इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद इसके अंदर मैं ये पीक से सर्कल दे दूंगा 1.50। मोमेंट मशीन जो है इतना मैक्सिमम टांका निकाल लेती है तो इसकी जो थिकनेस है इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे भी आप लोग इसी तरीके से इसको भी आप इसी तरीके से ये सक्रोल दे सकते हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा तो इसको अब मैं और टांकों में भी इसको मैं यहाँ से लगा कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से मैंने ये रनिंग टैंके जो हैं इसको मैं यहाँ से आपको 1.50 ये लेंथ है टांके की, इसको मैंने 1.50 कर दिया। ये देखें इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर ये नहीं लगाना चाह रहे तो इसमें आप लोग ये भी चीज़ इस्तेमाल सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल पैनल लेके राइट लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट, यहाँ से आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर्टी जो है तो यहाँ पे भी 2.0 ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके आप इस तरह ले जाए, यहाँ से इसका एंगल चेंज कर लें और ये जो मोटिफ है इसको आप कंट्रोल जी करके यहाँ पे लें। ये देखिए ठीक है, अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे येलो कलर देता हूँ। कंट्रोल डी एंगल चेंज करके यहाँ पे माइनस खत्म करके नीचे ले जाता हूँ और इसका एंगल इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। अगर ये नहीं करना चाह रहे तो आप इस तरीके से भी
इसको मैनेज कर सकते हैं। ये ड्राइंग लाइन है, ठीक है। इसको लगाने से ये होता है कि अगर आप कंट्रोल डी करके इसको एंगल जो है इसका यहाँ से डिलीट करके इसके इमेज चेंज कर दे और इसको यहाँ से इसकी एक जॉइन लाइन होती है, आप टूल में जा के इसके जो मोटिफ रहते हैं उसको आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ से तो अब इसको मैं शॉर्टर में कन्वर्ट करके इसके मैं टाटामी में ले आऊँगा और यहाँ से मैं इसको जो प्रॉपर्टी है ये देखिए, ये भाई मैं सिर्फ आप लोगों को इफेक्ट इसके दिखा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसी तरह से आप इसकी जो लाइन है इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जो डी शेप है वो आप लोग यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ये हमारा पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ कंट्रोल डी करके इसके एंगल चेंज करके, ये देखें। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से मैंने आपको इन टांकों में भी बना कर दिखाया कि मोटिव बना के भी, तो ये हम डिज़ाइन किस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ में ना पाता ही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।